पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चीन दौरे का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उन्हें इसे लेकर जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल कश्मीर के मसले पर कुरैशी अचानक चीन के दौरे पर पहुंच गए। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कतार में खड़े होटल के शेफ और दूसरे स्टाफ से हाथ मिला रहे हैं। इस दौरान सारा स्टाफ ताली बजा रहा था। कई पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स ने भी अपने विदेश मंत्री से पूछा कि वो चीन में क्या करने गए थे और क्या यही उनका स्वागत है। इमरान खान ने अपने देश में सर्जिकल स्ट्राइक कर ईद के पावन पर्व को फीका कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी मंडियों में टमाटर 200 रुपए के करीब पहुंच चुका है। वहीं प्याज का भाव भी लोगों को रुलाने का काम कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से प्याज टमाटर जैसी जरूरी सब्जियां खरीदता है। उन्हीं पर उनकी सरकार ने भारत से एक तरफा फैसला लेते हुए इन सब पर रोक लगा दी है, जिस वजह से पड़ोसी मुल्क के लोग ईद के खास मौके पर सरकार के फैसले से बेहद नाराज हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से तिलमिलाए पाकिस्तान ने अब दोनों देशों के बीच चलने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया है। इमरान खान सरकार ने शनिवार को लाहौर अमृतसर और ननकाना साहिब अमृतसर बस सेवा पर भी रोक लगा दी। इससे पहले बौखलाए पाकिस्तान ने लाहौर दिल्ली बस सेवा और समझौता एक्सप्रेस पर भी रोक लगाने का फैसला किया था। वहीं पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सभी कारोबारी संबंध भी खत्म कर लिए हैं। कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाए जाने से खफा पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्तों को खत्म करने का फैसला किया है। स्थानीय अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पहले भी अच्छे नहीं थे। पुलवामा हमले के बाद तो भारत ने पाकिस्तानी वस्तुओं पर 200% तक सीमा शुल्क लगा दिया था। हमेशा विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमारी उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है। मोदी शाह ने अपने गुरु बेंजामिन नेतन्याहू और मेनकेम बेग से काफी कुछ सीखा है। उन्होंने उनसे सीखा है कि कैसे कश्मीरियों की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसम्मान को रौंदना है, जैसे फिलिस्तीन में इसराइल ने रौंदा। अय्यर ने लिखा कि पहले इस जोड़ी ने कश्मीर में आतंकवादी हमले की अफवाह उड़ाई और फिर 35,000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए। अमरनाथ यात्रा भी जबरन रोक दी। नाव पेश लगाने वाली बबीता फोगाट अपने पिता महावीर फोगाट के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दोनों ने जेजेपी पार्टी का साथ छोड़कर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी महावीर या बबीता फोगाट को विधानसभा का टिकट भी दे सकती है। फिलहाल छोटे पर्दे के शो नच बलिए सीजन 9 में भी बबीता फोगाट अपने मंगेतर विवेक सुहाग के साथ दिखाई दे रही हैं। कहूंगी कि मैं नरेंद्र मोदी सर की मैं बहुत बड़ी फैन, आज से नहीं, मैं बहुत सालों पहले से, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जब वो बने थे तब से मैं उनकी। मोदी ने एक बार फिर कहा है कि कश्मीर हमारे देश का आंतरिक मामला है और अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि कश्मीर को लेकर हमारी सरकार के पास बड़ा प्लान है। ये फैसला कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स के जरिए न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के अवसर मिलेंगे बल्कि घाटी में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। घाटी की देश के दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कई प्रमुख उद्योगपतियों ने कश्मीर में निवेश की इच्छा जताई है।